एक बड़ी खबर इस समय महाराष्ट्र की राजनीति से आ गई है। एकनाथ शिंदे से मिलने देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं। कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक है, परसों शपथ ग्रहण है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आ रही है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हो रही है और मुख्यमंत्री के घर वर्षा खुद देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे से मिलने, क्योंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री इस समय महाराष्ट्र गए हैं और शपथ ग्रहण बस एक दिन दूर है। तो मुख्यमंत्री के घर पर, जिसका नाम वर्षा है, वहां पर देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं शपथ ग्रहण से पहले। ये एक बड़ी खबर है कि इस समय देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे, पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सिर्फ उन्हीं का नाम सबसे आगे चल रहा है, एक ही नाम अगर कोई मुख्यमंत्री का है तो वो देवेंद्र फडणवीस का है। और देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे के घर उनसे मिलने। ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। ऋत्विक, क्या कारण हो सकता है, क्यों, क्या अंदाजा हम लगाएं, क्यों गए हैं फडणवीस शिंदे से मिलने? जी सही, देखिए पिछले चार दिनों से एकनाथ शिंदे अपनी नासाज तबीयत की वजह से दोनों, मतलब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार से मुलाकात नहीं कर पा रहे थे। हालांकि आज उन्होंने एक सरकारी बैठक को अपनी उपस्थिति दर्शाई है, तो कहीं ना कहीं उस बैठक के बाद आज आखिरकार देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे हैं। और किस तरह से मंत्रिमंडल का खाका होगा, किस तरह से आगे की रणनीति होगी, इस पर बातचीत होगी। उनके लिए जो जो पोर्टफोलियोज उन्होंने मांग की थे, उसमें से कितने पोर्टफोलियोज बीजेपी उन्हें दे सकती है, उसके बावजूद जैसे विधान परिषद का सभापति पद हो या तो विधानसभा का अध्यक्ष पद हो, क्या वो भी बीजेपी दे पाएगी क्या नहीं, इस बारे में वो एकनाथ शिंदे से बातचीत करेंगे। और तीनों पार्टियां मिलकर जब मंत्रिमंडल बनाएगी। जी ऋत्विक, क्या ये तो सब आलाकमान तय कर चुका होगा, क्योंकि परसों शपथ ग्रहण है, कल बीजेपी विधायक दल की बैठक है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि देवेंद्र फडणवीस शिंदे को मनाने गए हैं कि जो भी है वो पक्का कर लिया जाए, कहीं कोई कमी पेशी ना रह जाए, कुछ इस तरह हम सोच सकते हैं? जी देखिए, नेगोशिएशन के सभी तरीके एकनाथ शिंदे गुट से अपनाए गए थे। हालांकि चार दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार अब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो तय हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके आज देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को मिलने जाना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तबीयत के नाम पर जो रूठे हुए एकनाथ शिंदे थे उन्हें देवेंद्र फडणवीस मनाएंगे भी, और उन्हें किस तरह अपने साथ आगे 5 साल सरकार चलनी है उसके लिए भी बात करेंगे। बहुत धन्यवाद ऋत्विक। ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। आज एकनाथ शिंदे अपना रूटीन चेकअप कराने हॉस्पिटल पहुंचे और उसके बाद वो डॉक्टर अंबेडकर के कार्यक्रम को लेकर एक बैठक में शामिल हुए, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा देवेंद्र फडणवीस भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने यह साफ कर दिया कि अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपकी तबीयत कैसी है? बढ़िया है, ये एकनाथ शिंदे ने कह दिया है। तो भले ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की तस्वीर अभी साफ न हुई हो, लेकिन शपथ की तैयारियां पूरी हैं, काफी तेज हैं। क्या फॉर्मूला तैयार हुआ है हम आपको ये बता देते हैं। और अगर हम सूत्रों की बात माने अभी यहां पर, तो देखिए हमारे सामने सब कुछ है। 5 दिसंबर यानी कि परसों आजाद मैदान पर होने वाली शपथ में 3 लोग शपथ लेंगे, इनमें एक मुख्यमंत्री जबकि 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे और अजीत पवार, ये आप मान लीजिए। सीएम बीजेपी का होगा ये भी तय है, लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस होंगे इस पर बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और बीजेपी ने आधिकारिक घोषणा भी नहीं की है। वहीं डिप्टी सीएम के लिए एकनाथ शिंदे अजीत पवार शपथ लेंगे, ये तय हो चुका है। मंत्रालयों के बंटवारे का फॉर्मूला भी तैयार हो गया, वो भी हम आपको बता दें। सूत्रों की बात माने तो बीजेपी अपने पास 21 से 22 मंत्रालय रखेगी, शिवसेना के खाते में 12 मंत्रालय जाएंगे, जबकि एनसीपी अजीत पवार के पास 9 से 10 मंत्रालय हैं। और खबर ये भी है कि शिवसेना ने 16 मंत्रालय मांगी थी, लेकिन 12 मंत्रालय ही उसके खाते में आते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, क्या क्या, ये भी हम बात कर लें, पद की बात भी कर लेते हैं।
सीएम का पद बीजेपी के पास होगा। गृह मंत्रालय को लेकर लगातार बीजेपी शिवसेना के बीच खींचतान चल रही है, लेकिन यहां भी बीजेपी ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। इसके अलावा स्पीकर भी बीजेपी का ही होगा और 22 मंत्रालय कुल बीजेपी के पास होंगे। अब आगे बढ़े हैं तो बात करें शिवसेना की, तो एक डिप्टी सीएम के अलावा शहरी विकास मंत्रालय महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल रहा है। विधानसभा परिषद के अध्यक्ष की मांग भी है, लेकिन उपसभापति होने के कारण से उन्हें यह विभाग नहीं दिया गया है। अब हम अजीत पवार की बात कर लेते हैं। अजीत पवार छठवीं बार डिप्टी सीएम बनेंगे, वहीं वो अपना पसंदीदा वित्त विभाग पाने में सफल रहे हैं। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर भी एनसीपी का ही होगा। तो ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम शंखनाद में यहां पर रुक रहे हैं। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।